नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम आपको ले चलते हैं किशनपुर आमला, जहां पर राजा भारतेंद्र और SDM परमानंद झा जी संयुक्त रूप से फीता काटकर किसान धान क्रय केंद्र का शुभारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर भारी संख्या में किसान अपने धान को बेचने के लिए किशनपुर आमला में पहुंचे हुए हैं। आइए हम आपको बात करा रहे हैं, क्या आप किसान और अधिकारी बात कर रहे हैं? नमी की समस्या मतलब वो किसान के लिए भी, केंद्र प्रभारी के लिए भी। धान 15 दिन कहाँ रखेगा वो किसान? 15 दिन ट्राली में, उसमें भी 7 दिन का, वो 7 दिन के अंदर आपको मेंटेन करना होता है, 7 दिन बाद दूसरा टोकन जारी होगा। आपके सुझाव काश वाले दिन में एडजस्ट कर लिया जाए सर। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जी 20 दिन तक के लिए आप अपनी तौल पे अवकाश कृपया करके बंद कर दें। तो उसमें सर एक जो सुझाव है ना, उसमें वो भी डलवा दीजिएगा, ये डलवा दीजिए कि हमारी तौल ही सिर्फ 20 दिन 25 दिन में खत्म हो जाएगी। तो 20-25 दिन में क्या कितने अवकाश होंगे? ज्यादा 4-5 होंगे, उसके बाद आप पूरे साल अवकाश पे रहिए, क्या चिंता? काम तो 25 दिन ये काम शुरुआत, ये सब आ जाएंगे ना, ये सारे विषय आ रहे हैं। कमिश्नर साहब ने कहा था उस दिन से तो कोई छोड़ा नहीं, होना है अभी। कमिश्नर साहब आ गए, एक चीज और पता है कमिश्नर साहब, नोडल अधिकारी क्यों जी? ये कह रहे हैं हमारे पास सरकारी जमीन, ग्राम पंचायत की जमीन है, तो आप सरकारी शेड बना सकते हैं वहाँ पे, इस दफा के लिए तो नहीं, अगली दफा के लिए। सरकारी शेड का कुछ है आपके पास बजट? बजट क्या नहीं है, ये कौन स्वीकृत करेगा? ये एक पत्र लिख दीजिए ADM साहब के नाम कि हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत, कौन सी ग्राम पंचायत में जमीन है सर? हर ग्राम पंचायत में सर, अपने गुलाल वाली में भी है सर, लगभग ग्राम पंचायत की हर। अगर जट्टी वाला में जमीन है तो प्रधान जी से कह के फर्द निकलवा लो और ADM साहब के नाम पत्र लिख दो, ADM साहब उसे रेकमेंड कर देंगे कि साहब यहाँ पे शेड बन सकता है। और मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कह तो मैं बात कर लूंगा, इस साल तो नहीं मगर कम से कम आगे के लिए तो एक शेड वहाँ बन जाएगा। नजीबाबाद क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र और तहसील नजीबाबाद में मूंजी की खेती जिले में सबसे ज्यादा हो रही है, और हमारे कांटे जो हैं उनमें सीमा है 50 क्विंटल प्रति किसान की तोल की, और कांटे की सीमा है 300 क्विंटल। तो ये बहुत कम पड़ रही है, मतलब 6 किसान अगर आ जाएं, हमारे यहाँ पे बड़े किसान हैं, अपने सिख भाई बहुत सारे यहाँ पे अपने किसान हैं जिन्होंने मूंजी बोई हुई है, और तो ये हमारे असल में जो किसान विक्रय करता है मूंजी की, वो अगले 1 महीने में समाप्त कर देगा। मूंजी तैयार है, कट रही है और उसे कांटे पे लाया जा रहा है, तो ये अगले किसान तो 30 दिन में बेच देगा ये। उसके बाद जो भी खरीद फरोख्त हो रही है वो मिल वाले कर रहे हैं और सरकार कागजों में दिखा रही है। तो हमारा ये अनुरोध है, और मैं ये बात जाके माननीय मंत्री जी से भी कहूँगा, वो पत्रावली हम तैयार करवा रहे हैं यहाँ पे ज़िले से, कि हमारे एक तो कांटे ज़्यादा लगवा दिए जाएँ इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे मूंजी ज़्यादा है। दूसरी बात, जो हर कांटे की सीमा है 50 क्विंटल प्रति किसान और 300 क्विंटल प्रति कांटा, ये भी बढ़ा दी जाए, ताकि हम अधिक खरीद सीधा किसान से कर लें, जो कि प्रदेश सरकार की मंशा है। वो यहाँ पर इन सीमाओं की वजह से और कांटों की कमी की वजह से पूरी नहीं की जा रही। मेरे अनुरोध पे हमने जिला प्रशासन के द्वारा ये एक नया कांटा तो खुलवा दिया है, मगर मेरा प्रयास है ऐसे और भी कांटे खुलवाए जाएं, और इन कांटे भी ज़्यादा हों और इनकी प्रति कांटा और प्रति किसान की सीमा भी हम बढ़वा दें। जो हो जाए उसमें किसानों की मुंजी बह गई है, उसके लिए क्या आप अपनी सरकार से किसानों की मदद कराएंगे? ये इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान बीमा फसल योजना इसीलिए करी हुई है, ज़्यादातर किसान इससे कवर्ड हैं। जो भी सोसाइटी से बीज ले रहा है, खाद ले रहा है या किसी प्रकार का भी यंत्र ले रहा है, वो उसका बीमा हुआ हुआ है और उसे इस किसान बीमा फसल योजना से सहायता मिल जाएगी। बाढ़ और बाढ़ से जो नुकसान होता है और सूखे से जो नुकसान होता है, ये दोनों किसान बीमा फसल योजना से कवर्ड होते हैं। और जो भी किसान सोसाइटी से का सामान उठा रहा है, जो कि ज़्यादातर हम सब उठा रहे हैं, वो सब कवर्ड है। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारे
बीच में पूर्व सांसद हमारे राजा भारतेंद्र सिंह के अभिनव प्रयास से ये इस अहमदपुर सादात में आज ये शुभारंभ होने जा रहा है। एक नया सेंटर खुल रहा है। इसके अतिरिक्त और इनका ही प्रयास है कि मथुरापुर मोर और दो तीन और सेंटर पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, इसमें भी खोला जाएगा। किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए ये बारिश भी आ गई है, 15-20 दिन का समय है, तो लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इनका कथन ये है कि ये अधिक इसकी सीमा बढ़ाई जाए, जो लिमिट है इसकी वो बहुत कम है और 5-6 किसान ही हो पा रहे हैं, तो ये 50 क्विंटल और 300 क्विंटल की सीमा को बढ़ाया जाए ताकि सभी किसान समय से अपनी उपज का लाभ ले सकें। इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन होगा कि इस तरह की जो सूचनाएं हैं ये शासन की नीति के अंतर्गत होती है, तो हम इनकी मांग और इनके सुझाव को हम आज ही हम कोशिश करेंगे कि आज ही हम पोर्टल पर डालकर अवगत करा दें। कुछ पोर्टल से संबंधित भी समस्याएं हो रही हैं, जो किसान जो सत्यापन के लिए भर रहे हैं, सत्यापन के उपरांत भी वो 00 प्रदर्शित हो रहा है, ये कल से ये समस्या आ रही है, तो इसको भी हमने संज्ञान लिया है। स्वतः संज्ञान लेकर इसकी सूचना हमने जिलाधिकारी महोदय को सुबह ही बताई है और मेरा पुनः आपसे अनुरोध है कि किसानों की जो भी समस्याएं हैं वो ज़रूर हमें अवगत कराया जाए ताकि हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए हम प्रयासरत रहें और इनकी समस्याएं बिल्कुल न रहे, यही मेरा प्रयास रहेगा। जी हम मथुरापुर मोर बढ़िया से आए हैं, धान तोलने आए हैं जिसका उद्घाटन आज हुआ है। ये कब तक तोलने की संभावना आपके? देखो जी आज अब इसका हो जाएगा 2 घंटे में 3 घंटे में, जब भी लेबर लग जाएगी तोल जाएगा। अभी लेबर नहीं आई? लेबर आ गई है, उद्घाटन का समारोह खत्म हुआ है, अब शुरू करेंगे।